बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज मैं अपने होम गार्डन की छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस दफ़ा सर्दियों में मैंने अपने होम गार्डन में क्या क्या सब्ज़ी लगाई हुई है। तो ये थोड़ी सी शलजम लगाई थी मैंने और मूली लगाई है, जो कि एक बड़े मुश्किल से लगाने मतलब होता है, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि हम लोग लगा तो लेते हैं बीज वगैरह, लेकिन वो नहीं निकल पाती। लेकिन माशाल्लाह से हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे से मूली निकल आई और हमने काफ़ी इंजॉय किया इन सर्दियों में। अपने घर की मूली को इस्तेमाल किया, उसको खाया और बहुत ही मीठी, बहुत ही अच्छी लगी थी। तो घर की सब्ज़ी की तो बात ही अलग होती है। तो आप लोग के पास भी अगर स्पेस है, जगह है, तो आप ये सब कर सकते हैं। दूसरा, मैंने बैंगन तो लगे हुए होते हैं हमारे इसमें, यानी 12 महीनों में लगे हुए होते हैं बैंगन का ना, सर्दी गर्मी का कोई इसमें सीन नहीं है। तो बैंगन भी लगे हुए हैं और बैंगन काफ़ी निकले हुए भी हैं और फ्रेश फ्रेश बैंगन होते हैं। यहाँ मैंने अपने गार्डन में एलोवेरा का भी पौधा लगाया हुआ है और ये मैंने बहुत ही मतलब इस वजह से लगाया, ताकि मैं हेयर में अपने यूज़ करती हूँ या घर में किसी को ज़रूरत होती है तो फेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एलोवेरा का बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो आप लोगों के पास भी अगर स्पेस है, या अगर स्पेस नहीं भी है, तो कोशिश करें कि किसी पॉट में, किसी गमलों में तो ये सब चीज़ें ज़रूर लगाया करें अपने घर में। तो ये मैंने टमाटर का भी लगाया हुआ था। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा और मुझे बताएं कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो अच्छी लगती है कि मेरे चैनल पे। तो मैं कोशिश करूँगी उस तरह की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर सकूँ। भिंडी का ये एक ही पौधा है, क्योंकि सीज़न नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो इस वजह से भिंडी का पौधा इतना ख़ास बड़ा नहीं हुआ, ना भिंडी लगी उसमें। ये मैंने भुट्टा लगाया हुआ है। और तो चलें, आप मुझे इजाज़त दीजिए, तो मिलेंगे फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई अच्छी सी वीडियो जब मैं बनाऊंगी, या कोई सी भी आपके साथ शेयर करने का मेरा दिल चाहेगा, और अगर आप मुझे बताएंगे कुछ तो फिर मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।